दोस्तों स्वागत है आप लोग का रिपीट माइंड इन हिंदी में। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार जीके के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, साथ ही उसका आंसर भी बताऊंगा। लेकिन मेरे आंसर बताने से पहले यदि आपको उसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस कमाल का वीडियो को। तो आपके सामने जो सबसे पहला सवाल है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ऑप्शन है ए 40 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है 25 वर्ष, यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस देश में एक भी सफाई नहीं होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए आइसलैंड, बी घाना, सी स्विट्जरलैंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है आइसलैंड, यानी आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां सफाई बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं दुनिया का पहला कंप्यूटर का वजन कितना था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए 1 टन, बी 20 टन, सी 30 टन और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस कमाल का क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर जो बना था उसका वजन कितना था। इसका सही जवाब है 30 टन, यानी कि दुनिया का जो पहला कंप्यूटर बना था उसका वजन 30 टन था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस देश में बर्थडे विश करना जुर्म है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए सऊदी अरब, बी पेरू, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है जर्मनी, यानी कि जर्मनी में बर्थडे विश करना कानूनी जुर्म है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत के किस राज्य की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए झारखंड, बी गोवा, सी सिक्किम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है सिक्किम, यानी भारत का सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई महानगर का स्टडी कोड क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन ए 022, बी 055, सी 099 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है 022, यानी कि मुंबई महानगर का स्टडी कोड 022 है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत में डाक टिकट की शुरुआत कब हुई। तो आपके सामने ऑप्शन है ए 1857, बी 1854, सी 1848 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है 1854, यानी कि भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1854 में शुरू हुई। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है ए दिल्ली, बी अहमदाबाद, सी देहरादून और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है देहरादून, यानी कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए एयर इंडिया, बी एयरलाइंस एयर, सी इंडियन एयरलाइंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका सही जवाब है एयर इंडिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी शेरशाह सूरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया था।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कावेरी, सी बागमती और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यदि इसका आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बागमती, यानी कि नेपाल का राजधानी काठमांडू बागमती नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सबसे पहले सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए रेवा, बी जलगांव, सी गुजरात और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यदि इसका सही आंसर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है रेवा, यानी भारत में सबसे पहले सफ़ेद बाघ रेवा में देखा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिए थे। आपके सामने ऑप्शन ए 1922, बी 1930, सी 1928 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है 1922, यानी कि असहयोग आंदोलन को गांधी जो है 1922 में वापस लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं अमेरिका में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। आपके सामने ऑप्शन है ए 4 बार, बी 6 बार, सी 2 बार और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है 2 बार, यानी कि अमेरिका में कोई व्यक्ति मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सबसे अधिक टाइम जोन किस देश में आता है। आपके सामने ऑप्शन है ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है रूस, यानी कि सबसे अधिक टाइम जोन रूस में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस राज्य में जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। आपके सामने ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी अरुणाचल प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं लड़कियां अपने पति की बाईं ओर क्यों सोती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम सवाल है, क्योंकि इस तरीके का सवाल जो आईएएस के एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे जो है कमेंट बॉक्स में आप सहनशीलता के साथ लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की वार्मिंग होती है, इसलिए लड़कियां सोते वक्त अपने पति की बाईं ओर सोती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस देश के लोग रात में चाय पीते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी पेरू और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है फ्रांस, यानी फ्रांस के लोग जो है रात को चाय पीते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए बर्फ, बी मोमबत्ती, सी दोनों ही और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस कमाल सा क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है मोमबत्ती। मोमबत्ती एक ऐसा चीज है जो कि ठंड में भी पिघलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीला और पीला रंग मिलने से कौन सा रंग बनता है। आपके सामने ऑप्शन है ए काला, बी ब्लू, सी सफेद और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है सफेद, यानी कि नीला और पीला रंग मिलने से जो है सफेद रंग बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस का सबसे बड़ा पद कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन है ASP, BDSP, CDGP और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका सही जवाब है DGP। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में फिल्म बनाई जाती है।
आपके सामने ऑप्शन है ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा फिल्म जो है महाराष्ट्र यानी मुंबई में बनाई जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं तांबे का देश किस देश को कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए केन्या, बी जाम्बिया, सी वियतनाम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है जाम्बिया, यानी तांबे का देश जो है जाम्बिया देश को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सांप सीढ़ी का खेल किस देश में शुरू हुई थी। तो आपके सामने ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी वियतनाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर आपको इसका सही आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है भारत, यानी कि सांप सीढ़ी का खेल जो है भारत में शुरू हुई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही जो बेल का बटन है उसे भी अवश्य प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।